हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है गगन टेक में। तो आपने जैसा कि थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से कोई भी फोटो उसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। फॉर्म क्या होती है कि आप जब फॉर्म भरने लगते हैं आधा फॉर्म पूरा हो जाता है तब आपको समझ में आता है कि कितने KB की फोटो होनी चाहिए, कितने क्या होनी चाहिए, कितना साइज होना चाहिए। ये सब आपको बहुत ही परेशान करता है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि देखो, सबसे पहले आपके में तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आकर विंडो में आने के बाद यहाँ पर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे करेंगे इस तरीके से स्क्रॉल करके, यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके में पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो फिर आप इसको डाउनलोड करके इसको डालिए, वरना आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आप पहले ये चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये फोटो है, कोई भी फोटो है, उसको रिसाइज करना है तो कितनी KB, जितनी कम से कम KB में आप कर सकते हैं। तो उसके मैं कई तरीके बताऊंगा। तो कई तरीके क्या है वो मैं देखो, एक ही तरीका होता है बेस्ट तरीका जो है वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप फोटो पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ओपन विथ लिख के आ जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट लिख के आ जाएगा ऑफिस। ठीक है, इस तरीके से ये फोटो होगा, यहाँ पर लिख के आएगा एडिट पिक्चर, एडिट पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लोज कर देना। और जितने भी देखो, जैसे कि क्रॉप करनी है आपको फोटो, तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे से ऐसे करके है, और इसको मैं इसको ऐसे करके ऐसे से कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे रिसाइज नहीं हो रहा है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्रॉप कैसे कर रहे हैं। ये क्रॉप हो जाएगी, यहाँ पर आप ओके कर दीजिएगा, ये देखो फोटो क्रॉप हो गई। अब रिसाइज की बात आ जाती है तो इसको ऑटो करेक्ट पे कर दो, देखो कितनी मस्त हो गई। ठीक है, इसका रिसाइज भी कम हो गया, सब कुछ मतलब साइज है सब कम हो जाता है पिक्सल। जैसे कि अब इसके बाद यहाँ से इसको फाइल करके यहाँ पे सेव एज कर लिया करो। इतना करने के बाद डेस्कटॉप पे मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप ये, और मैं इसका नाम डाल दे रहा हूँ ऐसे करके HY करके कुछ भी सेव कर दे रहा हूँ। अब इसका चलो चलते हैं यहाँ पर डू नॉट सेव ऐसे, देखो HY करके ये आ गई। अब मैं इसका प्रॉपर्टीज पे जाके दिखाता हूँ साइज कितना है। यहाँ लिखे आ रहे 92 KB, और 92 KB लेना तो वैसे मतलब कि असंभव है, 92 KB नहीं ले पाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना, राइट क्लिक करना है, देखो वहां से साफ सुथरा आपने किया ठीक है फोटो को। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा आएगा पेंट, यहाँ पर ओपन विथ करके यहाँ पे पेंट आएगा, पेंट पे क्लिक कर देना। पेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसाइज दिया होगा, रिसाइज में पिक्सल को घटाना है। अभी तक ये हमारा 92 था, इसको कम कर लो 300 कर लो ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको अब ये करना सेव एज ना करना, अब सेव करना बस। अभी तक हम लोगों ने इसका साइज क्या देखा, यहाँ पर 92 था, अब यहाँ पे देखना कुछ कम हो गया होगा, ये देखो 39 हो गया। ठीक है, और कम करना है तो इसी पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आओ ओपन विथ करके पेंट में आओ, पेंट में आने के बाद रिसाइज पे जाओ, रिसाइज पे पिक्सल पे जाओ, यहाँ पर इसको मैं 200 कर दे रहा हूँ। बहुत कम हो जाएगा यार, देखते जाओ कितना कम करना चाहो उतना हो जाएगा। सेव एज फिर से कर लो, सेव एज नहीं सेव सेव करना है ओनली सेव, देखो सेव हो गया। अभी हम लोगों ने कितना देखा था 39, अब देखना कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 26। ठीक है, तो दोस्त जितना आप कम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आप क्लिक करके इतना करके बड़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।